हो क्या गया था तुम्हें? कुछ हाँ, मतलब गुनगुन सही कह रही है ना? क्या कहा गुनगुन ने? कहीं गुनगुन ने मोहन जी को वो तस्वीर वाली बात बता तो नहीं दी? तुम क्या बड़बड़ा रही हो? बस गुनगुन ने ही कहा है कि तुम्हारे जो ये काल जो है वो बहुत ज्यादा लाल हो रहे हैं आजकल, लगता है कोई एलर्जी है तुम्हें, शायद डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। हमें ना कोई डॉक्टर वाक्टर की जरूरत नहीं है मोहन जी, आप अपने कमरे में जाइए ना, गुनगुन सो रही है, जाग जाइए। जा रहे हम। बाके बिहारी जी, ये क्या हो रहा है? क्या हो जाता है हमें मोहन जी के आसपास होने से ही? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसे प्यार कहते हैं राधा। अब तुम्हें तुम्हारे भगवान इंसान बनते नजर आ रहे, और उसी इंसान से अब तुम्हें प्यार हो रहा है। जरूर ना, राधा को एलर्जी की प्रॉब्लम है, बार उसके गाल लाल हो जाते, कल डॉक्टर को बुला के चेक करवाता हूं उसे। मोहन जी, क्या हुआ मोहन जी? आप ठीक तो हैं? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्ला इसलिए रहा हूं क्योंकि घर में सब घोड़े बेच के सो रहे हैं ना, सबके सब। अरे मोहन जी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? सब जाग जाएंगे ना, आप चिल्लाइए नहीं। अरे यही तो मैं चाहता हूँ, मेरी माँ की सब उठ जाए। मोहन जी, हम आपकी माँ थोड़ी ना है, छोटी काकी जी है ना आपकी माँ। मुझे पता है मेरी माँ कौन है, लेकिन सामने मेरे पप्पा बैठे हैं ना, उसका क्या? सुनाई नहीं दे रहा मोहन जी। पप्पा? क्या मोहन जी? पप्पा नहीं, सांप। मोहन जी, आपकी सुई तो सांप पर ही अटक गई है। बताया तो हमने कि वो अपने घर चला गया। नहीं नहीं मतलब सांप मेरे बिस्तर पे, मेरे सामने। तो आप कहाँ हैं? बिस्तर पे स्थिर। पापा के बेहरे जी, क्या करें? आप दरवाजा खोलिए जल्दी। दरवाजा नहीं खोल सकता ना, तो दरवाजा खोलने के लिए उठना पड़ेगा, उठने के लिए हिलना पड़ेगा। हिला तो एक आटा बताओ, उठूं? नहीं 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 नहीं, आप मत उठिए, आप वैसे ही स्थिर बैठे रहिए, हम भी कुछ सोचते। अरे जल्दी करो राधा, ये मुझे ना बहुत बहुत बुरी निगाहों से देख रहे हैं। सच बताया तो मुझसे किसी को कोई खतरा नहीं है, ना हाथी को, ना घोड़े को, ना कुत्ते को, ना बिल्ली को, ना कॉकरोच को, ना मेंढक को, सब मेरे दोस्त हैं। इनफैक्ट हमारा तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, एडमिन हूं उस ग्रुप का। अगर आप कहें तो आपको भी उस ग्रुप में ऐड करवा के 4-5 मेंढक खिलवा देंगे हम, बस हमें छोड़ दीजिए प्लीज साहब जी। साहब जी, खिड़की खुल गई।
हम आते। खड़ी रोना वहां पर तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुझे बचाने आई हो या खुद मरने आई हो? पता नहीं मोहन जी, पर आप उधर ही बैठे रहिए जहाँ आप हैं। बैठे बैठे क्या करें? करना है कुछ काम, शुरू करते हैं ना अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, आई मीन बाकी बिहारी जी का नाम। क्या कर रहे हैं आप मोहन जी? हम तीनों बैठकर क्या करेंगे, क्या करेंगे? तीन जन बैठे ये बोर हो गए ना, तो हमारे साथ सांप सीढ़ी खेलेगा ये। कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो सब छोड़िए, आप ना जानवर वाले दस्ता वो जो जो है ना सांप पकड़ने, उनको फोन कीजिए ना। एनिमल रेस्क्यू जी, फोन कीजिए। फोन सामने लगा लो जी। पागल हो गई क्या? हाथ पीछे लो, फन करके लगाएगा ना, टैटू लग जाएगा तुम्हारे हाथ पर। पर क्या करें? आइडिया मुझे अब याद आया कि बरसाने में तुम बहुत गाना गाती थी ना, और तुम्हारा गाना सुनकर लोग पागल हो जाते थे। नहीं तो ये गाना यहाँ पर भी गा लो ताकि ये सब पागल हो जाए। आ रहा है कोई गाना दिमाग में? कोई गाना नहीं गा रहा, कोई और तरीका ढूंढिए ना। और क्या करे? मोहन जी बहुत देर तक ऐसे नहीं बैठ पाएंगे, और ये सांप उन पर हमला करे उससे पहले ही हमें कुछ करना पड़ेगा। बाकी बिहारी जी डरती जा पर करती जा, डरती जा पर करती जा, डरती जा पर करती जा। नहीं नहीं क्या क्या करियो तुम? रुक जाओ राधा, नहीं राधा, नहीं 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 राधा नहीं। पागल पागल हो क्या? ऐसे कोई सांप को हाथ लगाता है, सांप काट वाट लेता तो क्या करती तुम? क्या हुआ? अरे गाल तो फिर से लाल हो रहे हैं यार। मैं बता रहा हूँ जरूर कोई एलर्जी है तुम्हें। समझ में आ रहा किस चीज की एलर्जी है? क्या खाया था तुमने आज शाम को? तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या पता होगा? तुम तो हिसाब थोड़ी रखती हो कि क्या क्या जा रहा है तुम्हारे पेट के अंदर। तुम यहाँ से निकलते ही नाम सबसे पहले डॉक्टर को बुला लेंगे, वो चेक कर लेगा ये तुम्हारे काल पर जो टमाटर निकल आते हैं ना बार बार। सांप घूम रहा है कमरे में, कहाँ खो गई तुम? कहाँ है? कहाँ है? नीचे है। तो क्या करें अब? क्या करें? बाहर चलते। चलिए। चलिए मतलब सांप को तुमने जमीन पर फेंक दिया, छत पर नहीं फेंक सकती थी, आप चलकर कैसे जाएंगे बाहर? मोहन जी। हाँ। एक तो सांप को हटा के हमने आपकी मदद की, और आप है कि हमें ही सुनाए जा रहे। उससे तो अच्छा तो कि सांप इधर ही बैठ के रहो। नहीं नहीं नहीं, साप क्यों बैठेगा यहाँ पर? बहुत अच्छा काम किया तुमने, हम तो बस ऑप्शन दे रहे थे कि इसके बाद ये कर लेती। अब क्या करें? अब सोचिए ना, हमने तो एक बार सोचा ना बाप की बारी। तुम्हें पनिशमेंट मिला है क्या? बैठ जाओ ना, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। हाँ। आ गया तो मोहन जी। सोचने दो मुझे। सोचिए सोचिए, इधर ही है मोहन जी वो। Whoa.
तो हमें ही देख रहा है मोहन जी। कहावत नहीं सुनी हो तुम? कौन सी? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप करिए ना कोशिश, हमसे नहीं होएगा। अरे हम तो तभी हार मान गए जब हमारे बिस्तर पर हमारे बाजू में लेटा हुआ था। कुछ और सोच लेते हैं। छलांग लगा लोगी? कहाँ लगानी है छलांग? ये यहाँ से? हाँ। बस उस खिड़की तक। ये कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया मोहन जी? हम कुछ ढूंढ लेंगे रास्ते में टालने के लिए। जल्दी करिए मैम। मैं क्या करूं, उपाय निकाल रहा हूं ना, तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। अभी हाथ दो। हाँ। कुर्सी खींच रहा हूँ मैं। जी जी। आराम से खींचिए। अरे ढील दो, पहुंचने तो दो वहां तक, पहले खींच ली। नहीं नहीं नहीं, जाइए जाइए जाओ। जी जी जाइए। तुम पंजा लड़ा रही हो क्या? जी हाथ छोड़ो, दुख रहा है। हाँ चलते मिलते हैं राधा के कमरे में। अरे जी, क्या बोल रहे हैं? तुम ही नहीं कहा था सांप बहरा होता है, सुनाई थोड़ी देता है। हम मजाक कर रहे हैं सांप के साथ। हमें मजाक नहीं समझ आता, आप करिए ना, पीछे मत ही देखिए मोहन जी। अभी आराम से आना है। कहाँ चला गया सांप? अरे चला गया मतलब कहीं चला गया, यही ऊपर नहीं आया है, बस तुम पीछे पीछे आओ। हम पीछे नहीं हैं आपके। पकड़ते वक्त तुम्हें इतना डर नहीं लगा? मोहन जी थोड़ा ना दूर है। काल फिर से लाल हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कोई ना कोई एलर्जी जरूर है। अगर यहाँ से जान बची ना, कल सबसे पहले डॉक्टर को बुला के तुम्हारा चेकअप करवा लेंगे। ये सारी बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना मोहन जी, पहले बाहर जाने की कोशिश करते हैं ना। मैं बता रहा हूँ, अरे सॉरी, मेरा मतलब था कि मैं बता रहा हूँ तुम्हारे गाल ना फिर से लाल हो। तुम गिर क्यों रही है? हाथ तो पकड़ा था तुमने, गाल के चक्कर में तुम्हारा सर फट जाता अभी। एक बात बताए तो मुझे, सुबह से तुमने क्या क्या खाया? ये सारी बातें हम बाद में करें मोहन जी, पहले कमरे से बाहर निकलने की तैयारी करें। उसे छोड़ोगी तब तो बाहर जाओगी ना। अब गिरा देते हैं ना हमें। हम थोड़ी ना गिराते हैं, तुम्हारा गाल लाल हो जाता तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन उधर चला जाता। पूछो मत कि कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है। अब मतलब पता है? बाद में पूछ लेंगे हम। अच्छा तो चलो बाहर निकलिए। अरे तो आराम से। आगे बिहारी जी, आराम से। अरे मोहन जी है सांप थोड़ी ना जो डर रही हो, सांप कोई डरने वाली चीज होती? सांप, ये सांप था।
कैटरपिलर थे, इतना सा पर करके निकल गया। नहीं क्यों, साहब को भी पता चल गया कि अब बॉस को, घर के तो बॉस ही है ना हम। साफ थोड़ी ना घूम रहा है काटने के लिए। अरे नहीं 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 मोहन जी, आप अंदर चलिए वरना बुखार आ जाएगा। ऐसे बारिश में भीगना अच्छी बात है। बारिश में भीगने से बुखार नहीं आता, बस गीले हो जाते हैं। ये तो धुआंधार बारिश हो रही है ना, लगता है सारे बादल इधर ही आ गए। राधा देख लो, ये आखिरी आखिरी बारिश है, इसके बाद तो बस धूप में पकना है। ये मौके को हाथ से मत जाने दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। मोहन जी की हंसी में क्यों हमें अपनी जिंदगी दिख रही है, क्यों उनके इस बचपने में हमें अपने लिए उम्मीद दिख रही है, क्यों आजकल मोहन जी भगवान से भी ज्यादा खास लगते हैं, सिर्फ आत्मा ही नहीं दिल के भी पास लगते हैं। आज तक भगवान कहा है उन्हें, कभी हिचकिचाहट नहीं हुई, पर अब क्यों ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ भगवान नहीं पर उनसे भी खास है। पर भगवान से खास और कौन हो सकता है, कौन उनसे ज्यादा दिल के करीब हो सकता है? ये क्या बंधन है हम दोनों का, कौन सा रिश्ता है जो उनके नजदीक और नजदीक खींचे जा रहा है? बाकी बिहारी जी आप ही बताइए और रास्ता दिखाइए। जो है ना, मैं बारिश में भीग रहा हूं, सालों बाद बारिश में भीगने से मुझे दर्द नहीं सुकून मिल रहा है। मेरे सकदाने तेरे बिन यारा और कितने तक दाने, क्या तेरे बाजो
सच में ऐसा लग रहा है जैसे जैसे सब कुछ मिल गया है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओह, एक्सीडेंट की दुकान। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने मुझे मेरी बेटी दे दी, तुमने मुझे मेरी सारी खुशियां दे दी है। अब सच बताओ ना, तो अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं ऐसे बोलने से कोई मर जाएगा? ऐसे मरने वाला नहीं हूं मैं। अब तो जीना है मुझे। अब तो सालों बाद ये सुबह का सूरज जो है ना, वो उम्मीद लेकर आएगा। रात का चांद जो है वो सुकून दे जाएगा। अब तो जीना चाहता हूं मैं, खुलकर जीना चाहता हूं मैं, और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं अपनी गुनगुन के साथ जीना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। मोहन जी, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है राधा।